सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि रिटर्न की दर के संबंध में पोर्टफोलियो के समय समय पर जांच होनी चाहिए। देर शुड बी पीरियडिकल चेकिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिगार्डिंग रेट ऑफ रिटर्न। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए अति अनिवार्य है ये जानना कि जो पोर्टफोलियो आपके पास है या जैसा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न क्या देखना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करें या रखें, वो सब बातों का समावेश आज के ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत होने जा रहा है। आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहले सिंपल वाक्य में या एक सरल भाषा में कहूँगा, पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ कंपनीज के स्टॉक, जिसमें आपका छोटा रकम हो या बड़ी रकम हो, उसे आप रखते हैं, संभालते हैं और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उसको मेंटेन करते हैं। उसी को कमर्शियल या हम मार्केट की भाषा में पोर्टफोलियो कहते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, वो भी एक अनिवार्य रूप है। भले आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 10 लाख का है, करोड़ का है या 25 करोड़ या 50 करोड़ या उससे भी ज़्यादा। मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो में हमें समय दर समय ये देखना चाहिए कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, तो उसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। चलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक होना चाहिए, नंबर वन, जो एक रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी हो। ज़्यादातर मैं इस बात को 80% to 90% का बात कहूँगा यहाँ पर, यानी आपके पास जो इतने भी स्टॉक हों वो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ होनी चाहिए, नंबर वन। उसी के साथ साथ उसमें ग्रोथ भी होना चाहिए। हाँ, ये भी है, क्योंकि कई बार देखा गया है ग्रोथ कम है लेकिन डिविडेंड दे रहे हैं तो भी हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ग्रोथ नहीं है और डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं तो ऐसे स्टॉक कुछ समय के बाद हमें अपने पोर्टफोलियो से एक समय तक हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, और इंतज़ार कहाँ तक करना चाहिए वो भी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक एक बेस्ट परफॉर्मर बनेगा आपके पोर्टफोलियो में, दो ही एरिया हो सकता है। एक तो कुछ स्टॉक हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहे हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पुअर परफॉर्मिंग कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, या वो वहीं के वहीं पड़े हैं 6 महीना, साल से, 2 साल से, 3 साल से या उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे शेयर्स को क्या करना चाहिए उसके आप विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहली बात, जो पोर्टफोलियो में पुअर परफॉर्मर हैं उनका आप पहले क्वार्टरली रिजल्ट का इंतज़ार करिए कि तिमाही के वाली जो उसमें रिजल्ट आता है हर 3 महीने के बाद, उस 3 महीने के बाद में रिजल्ट में ये देखिए कि उनमें नेट प्रॉफिट कितना बड़ा है या प्लस है कि माइनस है। नेट प्रॉफिट बड़ा है तो EPS भी बढ़ेगा, बुक वैल्यू भी बढ़ेगा, सब प्लस पॉइंट होंगे, और ज़्यादा बड़ा है तो उसके PE रेशियो भी कम हो जाएंगे। तो ये सब संकेतक रूप होते हैं जो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन मान लो कि नेट प्रॉफिट कम हुआ है पिछले साल से या पिछले तिमाही, या हम कहते हैं ना कि भाई पिछला क्वार्टरली से इस बार उसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, तो प्रॉफिट कम हुआ तो इसका ये नहीं मतलब होता है कि दोस्तों हम उसके शेयर्स को निकाल दें, ऐसा नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि चलो ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ है, हो सकता है कंपनी का एक्सपांशन प्रोग्राम में खर्चा ज़्यादा हुआ हो, ये भी आपको ध्यान में लेना है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कभी कभी कंपनी इस तरह के लेटर भी शेयर होल्डर को भेजते हैं मेल के द्वारा कि हम कुछ नया कंपनी के कुछ ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं जिसके कारण हम इस बार डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। तो एक तरह से दोस्तों, क्योंकि आप भी तो कंपनी के मालिक ही हुए ना, क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं, तो अगर कंपनी को आगे बढ़ना है या बढ़ाना है तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी हमें करना पड़ेगा, और वो हो सकता है डिविडेंड का बात। तो कभी कभी हमें डिविडेंड नहीं भी मिला तो ये कोई बात नहीं, अगर कंपनी बिजनेस का एक्सपांशन प्रोग्राम में लगा है, अच्छा ग्रोथ है, तो प्रेजेंट नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर आपको अच्छा रिटर्न भी देगा और डिविडेंड भी सामने आपके आएगा। इसके लिए पेशेंस की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आपको अपने हर 3 महीने के बाद
अपने पोर्टफोलियो पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन से स्टॉक बेस्ट परफॉर्मिंग कर रहे हैं और कौन से स्टॉक पुअर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। पुअर परफॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे उसके कारण और बात विषय पर भी आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए। या मार्केट में वो शेयर कंसोलिडेट हो रहा होगा, या कुछ समय तक वो काफ़ी समय से यूं का यूं ही चल रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शेयर बेच दें। कभी कभी 200 साल, 2 साल से भी ज़्यादा, कभी कभी कई कंपनियां हैं जो कंसोलिडेट होते हैं। अब आप ही के सामने जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, IRCTC, जिसका मैं वीडियो लगभग कितना भी बना चुका हूँ मुझे अभी याद नहीं है, इतना तो याद है कि मोर देन 70 वीडियोज़ मेरे बन चुके हैं। फिर भी मैं आज भी ये कहूँगा कि IRCTC का शेयर आज भी देखिए, हम देख रहे हैं 850 से 900 के बीच में चल रहा है। तो कहने का पॉइंट क्या है, एक उदाहरण देकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IRCTC का स्टॉक जो है, कंपनी जो शेयर्स जो हैं, वो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए यदि आपके पास ऑलरेडी है तो। परफॉर्मेंस तो आगे ज़रूर करेंगे दोस्तों, इसके लिए ये एक उदाहरण देकर, आपको ये छोटा सा उदाहरण देकर मैं ये समझाना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि नो डाउट वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, IRCTC साल में डिविडेंड जरूर देता है, तो वो पॉइंट को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। तो आपके होल्डिंग, आप कहते हैं ना होल्डिंग कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए, और होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई कंपनी हमने होल्ड तो किया है, अगर हमने होल्ड किया तो उसका हमें कुछ मिल रहा है, वहाँ साल में डिविडेंड तो आया हमें, तो जो हम डिविडेंड पाते हैं या मिलता है तो वो एक आपके आपके होल्डिंग का एक रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है ना आपको, उस बातों का भी आपको ध्यान में लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से संबंधित। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हमें ये भी देखना है कि कोई कोई स्टॉक लगातार नीचे भी जाते हैं अपने पोर्टफोलियो में और परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें दोस्तों पहले हमें एक समय, एक मात्रा, एक रूप ये देना चाहिए कि कई लोग हैं अपने पोर्टफोलियो में, अगर क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस का रनअप अच्छा है, लेकिन वो प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, तो मैं एक ही एडवाइस करूंगा यहाँ पर कि आप 1 से 2 बार ही सिर्फ एवरेजिंग करिए, उससे ज़्यादा नहीं। एवरेजिंग हाँ भाई, 5% नीचे आ गया हमने कर लिया, एक बार ले लिया, फिर और 5 to 7% नीचे गिरा हमने दोबारा कर लिया, बस उसके बाद नहीं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और आप एवरेजिंग करते जा रहे हैं, तो दिलो दिमाग में अपना मनोबल जो होता है दोस्तों, और जो उत्साह रहता है, जो एनर्जी रहता है, वो भी डिमिनिश होने लगता है, वो भी कम होने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है कि ये स्टॉक क्या कर रहा है, नेगेटिव ही चल रहा है, कभी ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर से आप अपना पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको फिर बाद में ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे मेरा पैसा तो यहाँ ब्लॉक हो चुका है, अब क्या करें, क्योंकि दूसरे कुछ स्टॉक आ गए, कुछ दूसरे नए नए कंपनियां हैं, या कुछ अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक है, वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है दोस्तों कि आपको थोड़ा वहां अपना पेशेंस रखकर उसे होल्ड करना चाहिए, और कम से कम 1 साल का समय जरूर देना चाहिए। अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको 1 साल का समय देना चाहिए। हाँ, ये तो है, तो 1 साल का समय इसलिए देना चाहिए कि आपको पता चले, आपको मालूम हो या एहसास हो कि कम से कम वो कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई है। और हाँ, तो कम से कम किसी भी स्टॉक में अगर आपका बढ़ोतरी 1 साल में 20% या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, आपको रेट ऑफ रिटर्न चेक करना चाहिए, तो रेट ऑफ रिटर्न का प्रश्न का उत्तर एक ही है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, मिनिमम मिनिमम 20 से 30% का एनुअल रिटर्न अगर वो कंपनी दे रही है, वो स्टॉक आपको दे रहा है, तो मैं समझूंगा या मैं कहूंगा कि ये डिसेंट है, अच्छा है, एक हिसाब से बेसिक लेवल पे एक अच्छा आपको रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि कंपनी के जो भी स्टॉक का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है। आज हम देख ही रहे हैं दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक में है, FD में है, 7% से 8% चल ही रहा है लगभग, तो वो लेवल पर उससे उससे 3 गुना ज़्यादा, यानी हाँ भाई चलो 24% 30% तक अगर मुझे मिल रहा है एनुअल रिटर्न, तो बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को फिर आपको रखना ही चाहिए। कुल मिलाकर मेरा पॉइंट यहाँ यही कहना है,
और ये देखना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है और वो कभी बीच में नीचे आया तो उस शेयर को जोड़ना चाहिए दोस्तों। हाँ, ये बातों का आपका ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टॉक आपको 100% रिटर्न दिया, मान लो साल दो साल में, और आपके पास बाकी स्टॉक भी है लेकिन अभी वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो जो डबल किया है आपका पर्टिकुलर आपके मनी को जो डबल किया है उसमें से 20-40% आपको पैसा निकालना चाहिए। 20% मिनिमम और मैक्सिमम 40% बस, और वो एक ही बार आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके पैसा जो आपका डबल हुआ है उसका तो रिवॉर्ड आपने लिया, और वो रिवॉर्ड का पैसा अगर यदि आपको ज़रूरत नहीं है अपने निजी जीवन में, तो जिस स्टॉक को आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से 20% से 40% आप शेयर्स बेचकर उस स्टॉक को लीजिए जो धीरे धीरे अभी ग्रो के लेवल पर है, ग्रोथ अच्छा कर रहा है और उसका प्राइस रेंज भी आज अच्छा है, वहाँ पर आप एंट्री ले लीजिए और वो प्रॉफिट का पैसा वहाँ इन्वेस्ट करिए। क्योंकि आप अपने जेब से या अपने सेविंग से कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉफिट के पैसे को निकाल कर और एक अच्छा कंस्ट्रक्टिवली और दूसरे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है, रेट ऑफ रिटर्न है, आप कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जो आप देखेंगे भाई 5% 10% था, वो आप देखेंगे कि 25-30% का रिटर्न मिल रहा है और उससे भी ज़्यादा। तो ये आपको ऐसा करना चाहिए कि इस तरह से कि हाँ चलो ठीक है, हमने जो पैसा जो डबल हो रहा है उसके लिए मैंने कहा दोस्तों, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपका पैसा जहाँ डबल हुआ है उसके लिए मेरा ये सुझाव है, ये बात है। बाकी क्यों मैंने ये ऐसा क्यों कहा दोस्तों कि कई बार कई लोगों के पोर्टफोलियो में दोस्तों 100% नहीं 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न है तो भी आज उन्होंने रखा है, वो अच्छी बात है क्योंकि उसमें से डिविडेंड आएगा तो नेचुरली डिविडेंड का अमाउंट भी बड़ा आएगा। अगर कल को फ्यूचर में स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ, वो सब बेनिफिट तो मिलेगा ही ना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि उसी के रेशो में, उसी के पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन में कोई दूसरा स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा डालने से अच्छा है कुछ प्रॉफिट उस रिवॉर्ड को थोड़ा निकाल कर, जिसे मैंने कहा ना भी 20% भी निकालेंगे तो भी अच्छी बात है भाई, चलो तभी तो हमारे पास 80% तो है ना शेयर, उस 20% के शेयर्स को निकाल कर आप उसी लेवल पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक वहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करिए। इससे आपका सेविंग अमाउंट अपनी जगह स्थिर रहेगा और आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और वो भी समय के साथ साथ ग्रो करेगा और यहाँ पर दूसरा स्टॉक भी आपका ग्रोथ हो ही रहा है, तो ये भी पोर्टफोलियो में आपको करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर रिशफल कुछ लोग करते हैं, कुछ पोर्टफोलियो में रिशफल भी किया जाता है। रिशफल करना ये एडवाइजेबल है, बशर्ते कि वो जिस स्टॉक में आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में आपका पूरा सेल्फ स्टडी होना चाहिए या किसी सीनियर या एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ये सब करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फिर वो आप जो भी कर रहे हैं आपको एक दिशा, आपको एक पॉइंट, एक आपको पता चल रहा है कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बखूबी मेंटेन करते हैं। हाँ, जैसे जैसे दोस्तों रकम बढ़ती है पोर्टफोलियो में तो नंबर ऑफ कंपनीज भी बढ़ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंपनी की संख्या बढ़ रही है। बट ये ध्यान रखिए कि कंपनी की जो संख्या बढ़ रही है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि अगर अमाउंट बहुत छोटा रहेगा, अगर उसमें पैसा डबल भी हुआ तो आपको उतना रियलाइज़। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक है आपके पास, अच्छी कंपनी है और उसमें आपका सिर्फ 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और वो मान लो 6 महीने में डबल हो गया, तो 6 महीने में डबल हो गया तो आपका 5,000 का सिर्फ 10,000 ही बना ना। लेकिन उसी की जगह पे अगर आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो है, तो अगर वो डबल होता है तो आपको एक 50,000 नेक्स्ट आपको रिटर्न दिख रहा है ना, तो वो चीज़ों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक पे थोड़ी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में अभी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक क्या है, कौन से चल रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ किसका ज़्यादा है,
इन सब बातों का समावेश हमें करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये बातें जोड़ना जरूरी है और मैंने जरूरी समझा भी कि कई लोगों के लिए कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी कुछ माइनस चल रहा है। हाँ दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो एक साल से दो साल से 40-50% का एप्रिसिएशन देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो 50% का रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हैं दो साल में या उससे ज़्यादा, वो एकाएक आप ऐसा देखने लगते हैं कि अरे 50% का रिटर्न अभी 30% हो गया, फिर 20% हो गया, ऐसा देखकर आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आप ये देखिए कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बिजनेस पर आपका ध्यान रहे, वो स्टडी करिए, वो ध्यान दीजिए, उससे संबंधित जो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करिए, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए मान लो आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, 40 कंपनी है, 50 कंपनी है, तो ठीक है 40 कंपनी 50 कंपनी, तो जो जो कंपनियां हैं तो उनका आप विशेष रूप से ये भी देखिए कि वो उनके कंपनी या बिजनेस कैसे चल रहे हैं, उसके प्रति आप इंटरनेट में सर्च करिए कि कंपनी का क्या चल रहा है, रिजल्ट कब है, कब आने वाला है, क्या बातें हैं, ये सब चीज़ें छोटा मोटा आपको होमवर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा लगा हुआ है दोस्तों। जिसमें आपका पैसा लगा है उस कंपनी के प्रति आपका ध्यान और उसकी जानकारी हमेशा अपडेट रहना ही चाहिए आपको। हाँ, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैं कहूँगा दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर प्राइस एक दिन में 50% गिर जाए, वो पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक आपके पास है, तो उसी दिन आप निकल जाइए, उस शेयर्स को पूरा बेच देना चाहिए, क्योंकि वो 50% से 70% होगा, फिर 100% तक भी वो चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो डिलिस्ट हो जाएगा। तो ऐसे शेयर्स को हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे अगर स्टॉक या ऐसा कभी आप फ्यूचर में फेस करते हैं, क्योंकि 50% एक दिन में गिरना वो पॉसिबल उसी स्टॉक में होगा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो रहते हैं स्टॉक, वही 50% 60% या उससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं, या उसमें लोअर सर्किट या कुछ भी लगातार लगेगा, लेकिन फिर बाद में ओपन होता है, फिर बाद में ये सब बातें होती हैं। तो ऐसे स्टॉक को जब इस तरह का वो नासूर बन जाए या नेगेटिव पॉइंट हो जाए, तो उस चीज़ को हमें निकाल ही देना सही रहता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है अपने पोर्टफोलियो में। और दोस्तों क्या होता है, कई मैंने देखा है कई इन्वेस्टर अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं, कर लेते हैं, चलिए वो भी ठीक है, अपने हिसाब से वो अनुभव अपना अनुभव लागू करके अपना समय के साथ करते हैं, या यहाँ वहाँ जहाँ भी है किसी चैनल को देखकर, किसी को देखकर वो फॉलो भी करते हैं, चलिए वो सब भी ठीक है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, कि आपको कोई ना कोई सीनियर या एक्सपर्ट का एडवाइस लेना अनिवार्य है लाइफ में, क्योंकि तभी आप एक सही दिशा में एक सही गाइडेंस पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में सही गाइडेंस पाना या होना अनिवार्य है दोस्तों। नहीं तो आपका एक निर्णय, एक गलत निर्णय पूरी लाइफ को भी असर कर सकता है, अगर निर्णय गलत हो और फाइनेंशियल बिग डिसीजन कोई लेने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपका ये ध्यान रहे कि कम से कम 2-3 कंसल्टेंट से आपको बात करना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप बड़ी रकम कभी भी पोर्टफोलियो बड़ी रकम का बनाने का प्लान करते हैं, तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि जो भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या होगा उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ध्यान और पूरा सेल्फ स्टडी भी हमें करना चाहिए, जो अदर देन लोगों का आपने कंसल्टेंसी लिया है, जिनसे आपने सलाह लिया है, क्योंकि इसमें आपका पैसा लग रहा है, आपके मेहनत का पैसा है, आपको फ्यूचर में होल्ड करना है। और मैं पोर्टफोलियो के लिए इसलिए ही कहूँगा दोस्तों कि आप पोर्टफोलियो उतना का ही बनाइए या उतना ही रखिए जिससे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आप रखिए। जैसे भाई हमने बैंक में मेरा FD 2 लाख का रख सकता हूँ 5 साल के लिए, तो 2 लाख का हमारी होल्डिंग कैपेसिटी 5 साल के लिए है, तो उसी के अनुसार उसी तरह से भाई चलो ठीक है, मैं 2 लाख का अपना एक पोर्टफोलियो बना के 2 साल 4 साल 5 साल तक रख सकता हूँ, तो बस, तो 2 लाख तक ही आप फिर सीमित रहिए। एकदम ज़्यादा बड़ा करना या जाना या होना इसके लिए, क्योंकि दोस्तों आपका ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है,
और ख़ास करके पोर्टफोलियो जब स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप में फाइनेंशियल डेयरिंग भी होना चाहिए, आपको कभी डरना नहीं है क्योंकि आप अपना वेल्थ बनाने के लिए यहाँ पर हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है। वर्तमान में तो आंधी तूफान आते रहते हैं और बातें चलती रहती है, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। अपने मनोबल, आत्मविश्वास और धैर्य ये सदैव कायम रखना है दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आप सरल रूप में समझ लिए होंगे और मैं खास करके पोर्टफोलियो से संबंधित में अपनी बात भी जरूर आज कहूँगा कि दोस्तों हम भी देखिए हमारा क्या है, सबसे टचवुड सबसे सक्सेसफुल हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और इसी के साथ साथ मल्टी वेगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस टचवुड ये अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इसमें जो हमारे जितना अभी मैंने नाम लिया है इन तीनों का, एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एनुअली दोस्तों लोगों को कम से कम 60% तक का रिटर्न मिला है, उससे ज़्यादा ही है। मैं जस्ट आपको एक मिनिमम पॉइंट ऑफ परसेंटेज बता रहा हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो के जरिए जिन्होंने पोर्टफोलियो बनवाया है या लिया है उनको एक साल में 60-70% का भी रिटर्न मिला है और कुछ स्टॉक में तो मोर देन 100% का भी रिटर्न मिला है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो पोर्टफोलियो का कार्य विषय है दोस्तों उसमें हम संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना पोर्टफोलियो बनवाइए, करिए, ये सही समय भी है। और आपके लिए मैं एक ही कहूँगा कि मैंने जैसे भी नाम लिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टी वेगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये तीनों ही टचवुड अभी तक सक्सेसफुली आज तक हमारा कार्य विषय बहुत खूबी में और बहुत सही रूप में चल रहा है और लोगों को रिटर्न अच्छे से अच्छा मिला है दोस्तों। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।